खोरीमहुआ अनुमंडल के धनवार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें महिला समेत दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज हेतु रेफरल अस्पताल धनवार लाया गया, जहां घायलों की स्थिति को नाजुक देखते हुए रेफर किया गया। वही घटना को लेकर बताया जाता है कि जमीन में रास्ते को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में महिला समेत दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर धनवार पुलिस ने घायलों को ससमय इलाज के लिए धनवार लाया और एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। वही खोरीमहुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के दौरान दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही इस घटना से करीब एक दर्जन लोगों को भी पुलिस हिरासत में लिया है और मामले की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग साग बुने थे बारी में कि बार बाजार लोग नहीं जा पाएंगे, तो इसी से हम लोग गुजर बसर करेंगे। हैं तो घोरान घोरे थे, उसको कबार के फेंक दिए सर। और हम जब कहने के लिए गए कि भाई देखिए, इसमें हम लोग जब साग जो बुने हैं वो साग बुन करके मान जो उसको माने माड़ भात कितना दिन खाएंगे, तो ही साग बुन करके मान जो ये का साग होगा, दूसरा अगर सब्जी लाएंगे कहीं से मंगाएंगे। इसी चलते मैंने घोरान को कबाड़ के फेंक दिया और कहने लगा कि मेरा द्वार पर है तो हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं, हम पैखाना भी करेंगे, पेशाब भी करेंगे, सारा चीज़ हम करेंगे। इसी में हम बोले कि ठीक है भाई, पेशाब तुम जिसमें खाली रहेगा उसमें दिशा और पेशाब तुम करना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। धनवार थाना क्षेत्र के बरवाड़ी ग्राम में दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश में मारपीट की घटना हुई है। प्रथम दृष्टया जमीन से संबंधित कुछ बातें सामने आ रही है। मार्केट में बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, जिनको जिनके उचित इलाज हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।